वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटर पर बेस्ड क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशंस को समझा और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं रिवाइज करा देता हूँ आपका, हमने समझा इस बात को कि अगर किन्हीं दो पॉइंट के पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं, दो टंकियों में लेवल पानी का सेम हो जाता है, तो उन टंकियों को जोड़ दो या डिसकनेक्ट कर दो, वाटर फ्लो नहीं होगा। यानी जब भी किसी नेटवर्क में दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो हम बिना हेजिटेशन के उन पॉइंट्स को जोड़ भी सकते हैं और उनको जुड़े हुए हैं तो सेपरेट भी कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ऐसा करने का नेटवर्क पर कोई असर नहीं होने वाला है क्योंकि उनका पोटेंशियल सेम है। सो अब इस कंसेप्ट को यूटिलाइज करते हुए हम एक नया मैथड डिस्कस करेंगे लेवल थ्री में। बच्चों लेवल थ्री में सिर्फ मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आपको क्वेश्चन ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करना है। अगर आप इसको सॉल्व कर पाते हैं जो कुछ आपने सीखा उसके बेसिस पे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पाते हैं और भी अच्छी बात है, आपको सीखने को मिलेगा कुछ नया। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस क्वेश्चन जो कि मैं बोर्ड पर ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज नेटवर्क कुछ इस तरह का है, दिस इज लेवल थ्री। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है बिटवीन द टर्मिनल्स एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी पता करनी है और कैपेसिटर्स कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं। दिस इज द कॉम्बिनेशन। तो सपोज कैपेसिटर कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं। जब इस नेटवर्क को ध्यान से देखते हैं तो लगता है हाँ सिमेट्रिकल है, नेटवर्क इज सिमेट्रिकल, पर जब तक मैं वैल्यूज ना लिख दूं तब तक हम कंफर्म नहीं कह सकते। तो मैं वैल्यूज लिखता हूं, वैल्यूज इस तरह से है। सपोज 5 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, ऐसा कुछ है। और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, थोड़ा इसको आसान बना देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कैलकुलेशन थोड़ी इजी करके लिए, इसको 1 माइक्रोफेरेड में कर देता हूँ। हम देखेंगे कैलकुलेशन थोड़ी इजी होने वाली है हमारे पास। सो दिस इज द नेटवर्क। सो ट्राई इट एट योर ओन, इफ यू कैन फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी जस्ट ट्राई इट, पॉज द वीडियो। तो बच्चों वापस अब जब आप रिज्यूम करके आए हैं, अगर आपने सॉल्व कर लिया, आंसर निकाल लिया, लेट्स चेक आपने सही किया है, और जिस मेथड से आपने किया है क्या वो फास्टेस्ट मेथड है, इज इट अप्रोप्रिएट टू फॉलो दैट मेथड, और सम एडिशनल मेथड इज देयर एंड विच कैन सेव आवर टाइम, विच विल बी बेटर। सो लेट्स सी। बच्चों यहां देखो, ये एक जंक्शन है जिसको मैं दो पॉइंट मान सकता हूं जरूरत पड़ने पर। वापस ऐसे समझो कि हमने जो अभी तक सीखा है, अगर वो कंसेप्ट हम लगाए, क्या कोई से दो आपको सीरीज या पैरेलल में दिख रहे हैं जिनको रिप्लेस कर सके हम उसके इक्विवेलेंट से? अगर आपको लगता है कि 3 और 1 सीरीज में है तो नहीं है क्योंकि बीच में 2 जोड़ रहे हैं। आपको लगता है ये 2 और ये 2 सीरीज में है तो नहीं है क्योंकि बीच में ये जंक्शन आ गया। सबसे पहले हमें ये तय करना होता है। आपको लगता है 5 और 5 सीरीज में है तो नहीं है क्योंकि बीच में ये जुड़ गया। आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन से दो टर्मिनल्स के बीच हम इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं। तो हम इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं एक्स और वाई के बीच में। अगर आपको लगता है 3 और 5 पैरेलल में है तो वो भी नहीं है 3 और 5 पैरेलल में, क्योंकि एक प्लेट तो जुड़ रही है इनकी, दूसरी प्लेट में बीच में कैपेसिटर आ गया। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये, कोई भी दो सीरीज या पैरेलल में नहीं है, ना ही इसमें कोई शॉर्ट सर्किट है, ना ओपन सर्किट है। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है? जवाब है हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, पी क्यू आर एस होंगे, पर व्हीटस्टोन ब्रिज बनना सफिशिएंट नहीं है। लास्ट टाइम पे हमने जो डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, वो था बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस होने पर ही कंडीशन लगेगी वीबी इक्वल टू वीडी, यानी ब्रिज बैलेंस्ड होगा तभी हम शॉर्ट ट्रैक लगा पाएंगे। यहां ब्रिज तो बन रहा है पर P अपॉन Q R अपॉन S के बराबर नहीं होने से बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, तो वो कंडीशन हम यहां नहीं लगा सकते,
तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों इसके लिए एक नया मेथड है, कंसेप्ट पुराना, मेथड नया। तो वो मेथड क्या है? यानी पुराना एक गाना अगर मैं बोल दूं, ये रातें नई पुरानी आते आते जाते कहती है कोई कहानी, ये ऐसे आते हैं, ऐसे याद आ जाते हैं कभी कभी। तो यहां पर नया और पुराना मेथड मिला रहे हैं, कंसेप्ट पुराना कि वो पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल सेम है उनको जोड़ भी सकते हैं, उनको सेपरेट भी कर सकते हैं, दोनों काम हम कर सकते हैं। और मेथड का नाम नया है, कंसेप्ट पुराना, मेथड का नाम है लाइन ऑफ सिमेट्री मेथड। तो जब भी किसी नेटवर्क में आप ऐसी कोई लाइन खींच सकते हो जो उस नेटवर्क को दो आइडेंटिकल मिरर इमेज में डिवाइड कर दे, तो मैं इसमें एक ऐसी लाइन खींच सकता हूं जो कैपेसिटर ऊपर लगा हुआ है 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी का, उसके बीच में से होकर जाएगी, यानी आधी कैपेसिटी उधर आ जाएगी आधी उधर। तो ये लाइन इस नेटवर्क को दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो ऐसी लाइन को हम नाम देते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। इस लाइन के अबाउट ये नेटवर्क सिमेट्रिकल है, सममित है, एक जैसा है, यहां मिरर लगा दो तो इमेज बनेगी। तो अब कंसेप्ट यह है कि ये लाइन जिन जिन पॉइंट्स पर काटेगी उन उन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, तो उनको चाहे तो हम जोड़ दें और चाहे तो उनको सेपरेट कर दें। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं? एक तो कैपेसिटर के बीच में ये पॉइंट आ गया, इसको मैंने माना P। यहां मैंने आपको बोला दो पॉइंट मान रहा हूं मैं, एक तो जहां 2 और 2 जुड़ रहे हैं, दूसरे जहां 5 और 5 जुड़ रहे हैं, हालांकि ये दोनों सेम पॉइंट पर जुड़ रहे हैं पर मैं इनको दो पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहा हूं, क्यू एंड आर। तो 3 पॉइंट हो गए पी क्यू और आर, क्योंकि इन पी क्यू और आर तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो अब मैं इनको या तो तीनों को जोड़ दूं, जैसे कि मैं यहां पर बना देता हूं इक्विवेलेंट इसका तीनों को जोड़कर, तो वो कैसा दिखेगा देखिए आप, कैसा दिखेगा 5 माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड टर्मिनल एक्स टर्मिनल वाई, 3 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 3 3 2 2 5 5। और अब क्या करते हैं, इस 1 को मैं क्या मान सकता हूं, इसको मैं मान सकता हूं जैसे तो 2 माइक्रोफेरेड के, क्योंकि आधा आधा बांटना है ना, आधा आधा कैपेसिटर में कैसे बटेगा, रेजिस्टेंस होता तो 0.5 0.5 कर देते, क्योंकि 0.5 0.5 सीरीज में जोड़ेंगे रेजिस्टेंस में तो 1 ओम हो जाएगा, रेजिस्टेंस में जो हम सीखेंगे करंट लैग टेस्ट। यहां पर क्या करना पड़ेगा, 1 माइक्रोफेरेड तब होगा जब ये 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड दोनों को हम सीरीज में जोड़ेंगे, तो इनके बीच इक्विवेलेंट होगा 1 माइक्रोफेरेड। तो अभी मैंने क्या किया, इस 1 को हटाकर 2 और 2 दो सीरीज में जुड़े हुए मान लिए, और ये है हमारा, ये हमारे पास है पॉइंट P, क्योंकि मुझे P को Q और R के साथ मर्ज करना है, Q और R नीचे है यहां पर, तो P को भी मैं वहां लाना चाहता हूं। मान लेते हैं ये इलास्टिक का बना हुआ है, मैंने यहां से इस P को खींचा, खींचकर Q और R के साथ मिला दिया, तो उसको मैं रेड कलर से यहां दिखा देता हूं। तो उसमें क्या होगा, एक कैपेसिटर चले जाएगा इधर वाले 2 के साथ, दूसरा कैपेसिटर इधर वाले 2 के साथ, और ये यहां पर तीनों पॉइंट लाइन से आ गए P Q और R, ये भी 2 है ये भी 2 है, जैसे कि हमने यहां पे माना। तो एक इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन तो ये बन गया, कंसेप्ट ये लगाया पोटेंशियल सेम है तो हमने तीनों पॉइंट को जोड़ दिया। दूसरा इक्विवेलेंट मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं, वो कुछ ऐसे बना सकते हैं हम कि तीनों पॉइंट्स को सेपरेट कर देंगे। तो तीनों पॉइंट्स को सेपरेट करना है तो तरीका इस तरह से होगा, टर्मिनल एक्स वाई 5 एंड 5 3 3। अब इससे ऊपर की बात करें तो ये ऐसे कैसे लगा हुआ है 1, सेपरेट करना था तो हमने क्या किया, मान लिया यहां हिंजेस लगे, कब्जे लगे, और इसको यहां से उठाया Q वाले को, उठाकर इसके अबाउट ये घूम जाएगा, ऊपर रख दिया
ऊपर रख दिया तो कैसे दिखेगा ये, पॉइंट क्यू जो है वो आ गया टॉप पर, पी अपनी जगह पर है, पी वही है, क्यू टॉप पर चले गया, नीचे रह गया आर, और ये दोनों हैं टू एंड टू। तो ये दोनों तरीके हम लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ये दो मेथड में से कोई भी एक मेथड लगाते हैं, अब साफ साफ दिख रहा है ये सॉल्वेबल हो गया, सॉल्वेबल इन द सेंस टू एंड टू आर इन पैरेलल, सो टू एंड टू का इक्विवेलेंट क्या हुआ, फोर, कैपेसिटी है ना, सी वन प्लस सी टू जुड़ जाते पैरेलल में, तो ये फोर हो गया, फोर एंड थ्री इन सीरीज, तो सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, फोर इंटू थ्री अपॉन फोर प्लस थ्री, यानी 12 अपॉन 7, तो 12 अपॉन 7, अब उसके साथ 5 आ गया एंड टू एंड कनेक्शन में पैरेलल में, खाली मैं इधर के आधे की बात कर रहा हूं, तो 12 अपॉन 7 प्लस 5, पैरेलल इक्विवेलेंट निकालना था मेरे को, एलसीएम इज 7, 12 प्लस 35, सो व्हाट वी गेट, 47 बाय 7 माइक्रोफैरेड, और इसको मैं आधा कर दूंगा, क्यों, जितना इधर का उतनी कैपेसिटी इधर की, और ये दोनों आपस में हम सीरीज में मान सकते हैं, आधा हिस्सा मैंने खाली सॉल्व किया है, इसका आया 47 बाय 7, इसका भी 47 बाय 7, और वो आपस में सीरीज में जुड़े हुए, सीरीज में जुड़े तो कैपेसिटी कम हो जाएगी, इक्विवेलेंट आधी रह जाएगी, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटी आती है मेरे पास एक्स और वाई के बीच 47/14 माइक्रोफैरड। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, इससे सॉल्यूशन अगर निकालते हैं तो अब आपको दिख रहा है ये एक चेन है, सीरीज कॉम्बिनेशन इन दो टर्मिनल्स के बीच, टू एंड टू इन सीरीज, सो इक्विवेलेंट बिकम्स 1 माइक्रोफैरड, क्योंकि कम हो जाता है सीरीज में, 1 एंड 1 इन पैरेलल 2 हो गया, ये 2 ये 3 ये 3 आपस में तीनों सीरीज में, तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल, तो ये मैं कैलकुलेट करके निकालता हूं अगर, तो मुझे मिलता है एलसीएम इज 6, या 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 2 बाय 3 हो गया, 2 बाय 3, तो यहां 4 आ गया प्लस 3 आ गया, सो व्हाट वी गेट, 6 बाय 7, 6 बाय 7 इन तीनों की, 5 एंड 5 इन सीरीज 5 बाय 2, और फिर वो पैरेलल में, तो 5 बाय 2 प्लस 6 बाय 7 व्हाट वी गेट, एलसीएम इज 14, 35 प्लस 12 अगेन 47/14 माइक्रोफैरेड। तो हमारे पास दो तरीके, दोनों तरीके हमें रिजल्ट दे रहे हैं, कंसेप्ट हमने लगाया कि जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है हम उनको अलग कर सकते हैं या हम उनको जोड़ सकते हैं, दोनों तरीके रिजल्ट दे रहे हैं। कौन सा तरीका यूज करना है, प्रेफरेबल कौन सा होगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ पूरा नेटवर्क हमको सॉल्व करना पड़ रहा है, पूरा नेटवर्क सॉल्व करना पड़ रहा है तब रिजल्ट आ रहा है, सबको शामिल किया, और इधर अगर बात करें तो सिर्फ आधा ही सॉल्व किया है, बाकी तो सीरीज आधा कर दिया उसको हमने, सीरीज में थे तो आधा नेटवर्क ही सॉल्व करना पड़ा हमको, डील करना पड़ा 1, 2, 3, 4 कैपेसिटर को खाली। सो बेटर ऑप्शन क्या है, ये वाला मेथड, ये हमें फास्ट रिजल्ट देगा। तो बच्चों लेवल 3 में हमने कंसेप्ट को सीखा, कंसेप्ट को यूज करना सीखा, तो मैं समझता हूं आपको मजा आया होगा। तो अब लेवल 4 में आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कंपटीशन के लिए भी वैलिड होंगे, ये भी कंपटीशन के लिए वैलिड है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।